प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी खाती है उसका इफेक्ट उनके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेहतरीन फूड बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमेन्स को जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। नंबर 1, केसर वाला दूध। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को केसर वाला दूध पीना एक नॉर्मल बात होती है। केसर वाले दूध से बहुत सारे फायदे होते हैं और होने वाले बच्चे पर इसके काफी सारे इफेक्ट होते हैं और उसकी सेहत बहुत ही बढ़िया रहती है। नंबर 2, देसी घी। प्रेगनेंसी के दौरान देसी घी खाने की सलाह कई डॉक्टर्स देते हैं, डिलीवरी के समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए और दूसरे खराब वसा युक्त तेल से दूर रहने के लिए डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को देसी घी खाने की सलाह देते हैं। देसी घी खाने से आपके बच्चे को पूर्ण पोषण मिलता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, संतरा। प्रेगनेंसी के दौरान संतरा खाने से महिलाओं के शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है, इसके अलावा इससे उनकी स्किन भी सेहतमंद होती है। इतना ही नहीं, संतरे का सेवन करने से इम्यून सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होता है, जिससे प्रेग्नेंट महिलाओं को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। संतरा खाने से महिलाओं को गर्भकाल में होने वाली कब्ज से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 4, नारियल। प्रेगनेंसी के दौरान नारियल की गिरी या नारियल का पानी इस्तेमाल करने से आपका शरीर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचा रहता है, साथ ही गर्मी के मौसम में आपके शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहता है। नारियल का सेवन करने से आपको जी मिचलाना और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसलिए आपको नारियल और इसके पानी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर से गर्मियों के मौसम में आपको नारियल के पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। नंबर 5, सौंफ। सौंफ को पानी में उबालकर सुबह पीने से प्रेग्नेंट महिलाओं को जी मचलाने की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको जी मचलाने की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सौंफ को सुबह पानी में उबालकर पीना चाहिए। नंबर 6, अंडा। प्रेगनेंसी में अंडों का सेवन करने से महिलाओं को प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन जैसे कई पोषक तत्व मिलते हैं। इसके साथ ही अंडे के सेवन से बच्चे के विकास में भी काफी हेल्प मिलती है। नंबर 7, बादाम का सेवन। प्रेगनेंसी में बादाम और दूसरे सूखे मेवे को खाने से महिलाओं को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। रात में 7 से 8 बादाम को पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका उतारकर दूध के साथ खाने से गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बादाम से माँ और बच्चे को प्रोटीन, विटामिन ई और कैल्शियम मिलता है। इन पोषक तत्वों से बच्चे का दिमाग और नर्वस सिस्टम सही होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बादाम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने 7 ऐसे फूड्स के बारे में जाना जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने ही चाहिए।